हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल न्यू वैकेंसी लेट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप किसी भी इमेज का पीएनजी फॉर्मेट से जेपीजी फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट से पीएनजी फॉर्मेट में आप किसी इमेज को कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो आप उसका फॉर्मेट ही कैसे चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पीसी में चले जाना है और आपको इमेज खोल लेना है जिसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए मैं यही वाली इमेज लिए लेता हूँ। तो आप इसके प्रॉपर्टी में देखिए, तो ये इसका जो प्रॉपर्टी है तो जेपीजी फॉर्मेट में है, ठीक है। तो और हम इसको किस में चेंज करेंगे, पीएनजी फॉर्मेट में, ठीक है। तो चलिए अब आपको करना क्या है कि इसमें सिंपल सा क्लिक कर देना है और कहाँ ओपन में चले जाना है। ओपन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ऑप्शन आ जाएंगे आपको। तो आपको इसमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर में चले जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पास क्या करना है, जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा आपको सीधे यहाँ चले जाना है फाइल में, ठीक है। जैसे ही फाइल में चले जाएंगे तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो इमेज है जेपीजी फॉर्मेट में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पीएनजी फॉर्मेट में चेंज करना है। तो यहाँ पास हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे लिखा है पीएनजी फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको सिंपल से इसमें कर देना है, जिसमें आपको बदलना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे पीएनजी फॉर्मेट में है तो जेपीजी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं जिसमें फिर आपको बदलना हो, ठीक है। फिर उसके बाद देन क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और हमारी इमेज जो है सेव हो गई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, मैं बैक करके दिखाई देता हूँ। तो ये जो इमेज है, तो ये इमेज किस में थी, जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी मैं चेंज किया हूँ, ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी ये पीएनजी फॉर्मेट में बदल गई है, ओके। तो इस तरह आप कुछ चेंज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।